हेलो नमस्ते सलाम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोरियन अल्फ़ाबेट्स। कोरियन अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स कोरियन इसे कहते हैं हांगुल। क्या कहते हैं? हांगुल। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैं, हांगुल। ठीक है, तो कोरियन अल्फाबेट्स को कहते हैं हांगुल, इसका नाम है कोरियन हांगुल। ओके, इसके बाद तो कोरियन में कॉन्सनेंट्स भी होते हैं, वॉवल्स भी होते हैं। जैसे कि हर इंग्लिश में ए बी सी डी को अल्फाबेट कहते हैं, जैसे कोरियन कैरेक्टर्स को हांगुल कहते हैं, जिसमें टोटल 24 कैरेक्टर्स होते हैं। 24, जिसमें से 14 कॉन्सनेंट्स होते हैं और 10 वॉवल्स होते हैं। अब ये जो वीडियोस देख रहे हैं और इसमें जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ हिंदी समझ में आती है, तो मैं कॉन्सनेंट और वॉवल्स बता देती हूँ क्या होता है। कॉन्सनेंट जो होता है, जिसमें हम कैरेक्टर्स को, जैसे क, ख, ग को हम लोग सीधा प्रोनाउंस करते हैं, और वॉवल्स में हमें अपने मुँह के शेप को आ ओ ई इस तरह से बदलना पड़ता है, और हम दोनों को मिला के पढ़ते हैं, जैसे कि क और आ को मिला के होता है का। इस तरह से कॉन्सनेंट एंड वॉवल होता है। तो सबसे पहले हम कोरियन कॉन्सनेंट देखेंगे। पहला कॉन्सनेंट है गियक। इसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बताया है आपको ये है गियक। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, इसे किस तरह से पढ़ा जाता है, वो है ग या फिर ख। कभी ये ग पढ़ा जाता है, कभी ये ख पढ़ा जाता है। ये डिपेंड होता है पर्सन पे। एक्चुअली कोरियन जो अल्फ़ाबेट है, कोरियन जो हांगुल है, वो थोड़ा ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें, जिसमें इंग्लिश में भी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं है और हमारे हिंदी में भी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं है। वो लोग पढ़ते हैं ख। आप आवाज पे ध्यान दीजिए, ख। अगला अल्फाबेट है न। न इसे कहते हैं नियन, जिसको हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं न। न इसके बाद है तीसरा कैरेक्टर दीदी। जिसे प्रोनाउंस करते हैं द या फिर थ। द या फिर थ। मैं एक काम करती हूँ, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ यहाँ पे। इसका प्रोनाउंसिएशन है जी, इसका प्रोनाउंसिएशन है एन। ठीक है, और द या फिर थ, इसका प्रोनाउंसिएशन है डी। डी मीन्स नॉट ड्रम और डॉल, द द इसका प्रोनाउंसिएशन है द। उसके बाद अगला अल्फाबेट है म। म जिसे प्रोनाउंस करते हैं मियम, इसका प्रोनाउंसिएशन है म। म इंग्लिश में लिख देती हूँ एन। ओके, इसके बाद है रियल। रियल इसका अल्फाबेट का नाम है रियल, इस हांगुल का नाम है रियल, लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं र
आर या फिर एल, मतलब र या फिर ल, ठीक है। ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये एस का उल्टा है, ठीक है। और जिसे एस नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं, बनाने के लिए बहुत इजी है। इसे कैसे बनाना है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले आपको ऐसे कीवर्ड बनाना है, उसके बाद नीचे दीगर बनाना है, सेकेंड अल्फाबेट, थर्ड अल्फाबेट, फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट को मिला के ये अल्फाबेट बनता है। उसके बाद दो बी, प्रोनाउंसिएशन इसका है ब या फिर ह, ठीक है, ब या ह। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अगर आप इसे एक कैरेक्टर से भी याद रखेंगे, जैसे कि घी को घ, नीम को न, दिगत को द, मीम को म, रियो को र एंड बियो को ब, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। तो इसके लिए आपको फिलहाल इतना याद रखने की ज़रूरत है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, बेसिक प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किस इसे कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद है बहुत ही आसान है ये शियत, शियत, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है स, हिंदी का स, यानी के एस, यानी के एस। उसके बाद है ये कॉन्सोनेंट, सिर्फ आपको गोल दायरा बनाना है। अब ये गोल दायरा जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी हम इसे किसी भी तरह से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंस कब होता है, जब ये वॉवल्स के साथ मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जीए, जीए शियत की तरह बनाना है, उसके बाद ऊपर एक लाइन जी। इससे इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है हिंदी का ज, ज या फिर इंग्लिश में जी, जी। उसके बाद अगला अल्फाबेट है शिय, जी छे, इसके ऊपर एक और लाइन छे, इसका प्रोनाउंसिएशन है च या फिर छ, च या फिर छ, मतलब हिंदी का इंग्लिश का सी एच, च। उसके बाद अगला अल्फाबेट है खीर, खीर, गियक, खीर, थोड़ा मिलता जुलता है, इसमें सिर्फ एक और लाइन आ जाएगी, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है ख, ख, इंग्लिश का के एच, ख, ख। इसके बाद अगला अल्फाबेट है ध, ध, दीगत की तरह बकेट बनानी है, इसके बाद एक लाइन थीर, थीर, इसका प्रोनाउंसिएशन है हिंदी का थ, थ, और इंग्लिश में टी एच, टी एच।
थिए थिए अगला अल्फाबेट है ह ह हिंदी का ह बहुत ही आसान है इंग्लिश में पी एच ह ह उसके बाद है हियर हियर पहले एक सर्कल गोल दायरा उसके बाद एक लाइन उसके बाद एक छोटी लाइन इसे इस तरह से भी लिखते हैं एक सर्कल उसके बाद एक लाइन और एक खड़ी तो आप दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन है ह ह इंग्लिश का एच एच हो गए हमारे 14 कॉन्सोनेंट फिर से एक बार रिपीट करते हैं किय ग या फिर ख नीन प्रोनाउंसिएशन है न न न लेकिन जब भी कोरियन न प्रोनाउंस करते हैं वो सुनाई में द देता है द लेकिन वो है न और इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती एक्चुअली उनका उनकी ज़बान है वो और बोलने के वक्त वो न को द प्रोनाउंस करते हैं कभी कभी र को ल प्रोनाउंस करते हैं तो डिपेंड्स होता है बट मैं आपको जो भी ये मैंने आपको जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन बताया है अभी आपको फिलहाल इसी पर ध्यान देना है तो दी गुड द और ध इंग्लिश में डी या द उसके बाद है मीन मीन म म रियल र ल बियर बियर ब या फिर ध शियर शियर स स ये है अं एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन एनजी है अं बट ये मैं आपको बाद में बताऊंगी फिलहाल जब ये इन कॉन्सोनेंट की तरह फर्स्ट पहले आता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है आखिर में आता है तो ये इं प्रोनाउंस होता है इसके बाद जियोक जियोक इसका प्रोनाउंसिएशन है ज ज इंग्लिश में जे छियर छियर च या फिर छ खियोक खियोक ख ख थियर थियर थ थ फिर फिर फ फ हिट हिट ह ह ठीक है टोटल कॉन्सोनेंट हो गए 7 + 7 14 कॉन्सोनेंट बहुत ही आसान है इसके बाद मैं आपको 10 वॉवल्स बताऊंगी ये 24 या 24 अल्फाबेट्स आने के बाद 24 हैंगुल आने के बाद आप कोरियन पढ़ना शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है